सॉरी सॉरी कितनी प्यारी वॉच है वाओ अरे वाह कितने प्यारे सैंडल हैं काश ये मेरे पास होते आइए मैडम मैडम बैठिए अरे लक्ष्मी मैडम के लिए कॉफी ला दो हाँ हाँ मैं ला रही हूँ अच्छा तो राकेश अब मैं चलती हूँ जी मैम अरे मेरा फोन मैं लाई थी या नहीं मैडम शायद आप अपना फोन गाड़ी में भूल गए होंगे हाँ शायद चलिए मैं देखता हूँ फोन तो मेरे पास है जो चीज मुझे अच्छी लगेगी वो मेरी वैसे भगवान जी आपको क्या चाहिए मेरे पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं ये पैसे ये फ़ोन ये घड़ी आपको जो चाहिए ना आप ले सकते हो अरे सारी चीज़ें कहाँ गई यहीं तो रखी थी मैंने कितनी महंगी थी और कितनी मेहनत से चोरी की थी मैंने लक्ष्मी तूने ही तो कहा जो चाहिए वो चीज़ ले लो तो मैंने ले ली मैंने तो एक ही लेने के लिए बोला था आपने तो सारी चीज़ें ले ली नहीं अब वो चीज़ें तुझे फिर से नहीं मिलेगी तू फिर से चोरी कर लेना ऐसा थोड़ी होता है मैंने इतनी मेहनत करके इतनी सारी चीज़ें चुराई और आपने सीधी उठा ली तो फिर मेरी मेहनत का क्या लक्ष्मी तुम्हारी मेहनत मेहनत और जिनकी ये चीज़ें थी उनकी मेहनत कुछ नहीं तुमने तो सिर्फ चोरी की पर उन्होंने दिन रात मेहनत करके इन चीज़ों को खरीदा तो उनकी मेहनत नज़र नहीं आई तुम्हें तुम मनुष्य को हमने हाथ पैर और सोचने के लिए बुद्धि इसलिए दी ताकि तुम मेहनत कर सको ना कि चोरी भगवान जी मुझे माफ़ कर दीजिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैं भूल गई थी कि जो चीज़ें मैं चुरा रही हूँ वो किसी की मेहनत की कमाई है आज मेरे पास से ये सारी चीज़ें चली गई तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि उनको कितना दुख हो रहा होगा जिनकी ये चीज़ें अपनी थी भगवान जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे माफ कर दीजिए अरे भगवान जी कहाँ हैं सुनिए ये घड़ी आपकी है मुझे कल यही मिली थी हाँ ये तो मेरी है मेरी मम्मा की आखिरी निशानी है थैंक यू मम्मा ये देखो आपकी नई वाली सैंडल मिल गई सुनिए वो आपकी मैडम का फोन है ना बाहर कहीं नीचे पड़ा था वो वॉचमैन भैया है ना उन्होंने दिया लीजिए
क्या मैडम बहुत खुश होंगे, उन्होंने ये अभी लिया था।